हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा HTML के बारे में और HTML में CSS का क्या यूज रहता है उसको मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, बेसिक्स एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, मैंने अपने चैनल पे 2018 से ही HTML के काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स अपलोड किए हैं, साथ में DCA, PGDCA इनके भी अपलोड किए हैं, तो आप रेलेवेंट अपने हिसाब से देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको बताया है उसके बाद से कि ब्लॉगर पे या फिर साइट मेकिंग पे आप कैसे HTML बेसिक्स का यूज करते हैं एंड कुछ ऑप्शंस जो आपको ब्लॉगिंग में नहीं मिलते वो आसानी से आप HTML में कैसे आप यूज कर पाते हैं। और बहुत सारी ऑप्शंस हैं लाइक इमेज एम्बेड करना एंड PDF क्लिकिंग का एक्सेट्रा, मैंने बहुत सारे बताए आपको कैसे आप यूज करते हैं एंड किसी भी साइट में आप जाके आसानी से साइट को आप ट्रैक कर पाते हैं। तो आज दोस्तों मैं HTML का थोड़ी एडवांस, जहाँ मैं CSS थोड़ी यूज करूँगा, मैं आपको बेसिक सा बताऊँगा। अगली वीडियो से मैं एक सीरीज़ लाऊँगा जिसमें मैं पूरा HTML के जो मैंने अभी तक नहीं बताए हैं आपको वो बताऊँगा और उसके अलावा CSS पूरा कंप्लीट कराऊँगा एंड देन इसका पूरा आप कैसे ब्लॉगिंग में यूज करते हैं और ब्लॉगर साइट को आप अपना एक्सलेंट बना सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, ये मेरी साइट है ediploma.mcu.blogspot.com, ये ब्लॉगर साइट है, आप इसे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने हल्का सा CSS एंड HTML का यूज़ किया है, तो आप इसे जाके विजिट कर सकते हैं। इस ब्लॉगर की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसे विजिट कर पाएंगे। तो दोस्तों, अब हम स्टार्टिंग से एक बेसिक सा हम HTML कोड बनाते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं। आपको टाइटल देना होता है, यहाँ पे चलिए मैं अभिषेक दे रहा हूँ, देन आपको हेड करना है एंड यहाँ पे हेड के बाद आपको यहाँ पे आप यूज करना है स्टाइल का CSS, अगर आप यहाँ पे लर्न करते हैं। देन यहाँ पे आप अगर बॉडी के बारे में मेंशन करना चाहते हैं तो आप बॉडी लिखिए, देन ऐसे ब्रैकेट दीजिए, यहाँ पे आपको बैकग्राउंड देन हाइफन देना है, कलर दीजिए, कॉलन लगाइए एंड यहाँ पे आपको जो भी कलर देना चाहते हो, लाइक मैं ग्रीन देना चाहता हूँ। अब यहाँ पे आप इसे सेमी कॉलन लगा के और इसे क्लोज कर दीजिए। सेम आपको करना है, अगर मान लीजिए आपके हेडिंग देते हैं, हेडिंग के लिए मैं H दे रहा हूँ, H1 नहीं दे रहा, तो यहाँ पे अब आपको कलर सीधा आप असाइन कर दीजिए, यहाँ पे मैं रेड कर रहा, सेमी कॉलन दीजिए एंड क्लोज करिए। पैराग्राफ के लिए मैं दे रहा, पैराग्राफ में भी आप कलर इसे दे सकते हैं, लाइक मैं आप इसका कलर देना चाहूँगा येलो एंड क्लोज किया। अब यहाँ पे आप स्टाइल से पहले अगर चाहें तो यहाँ पे दे सकते हैं फ़ॉन्ट साइज़ क्या होना चाहिए, तो फ़ॉन्ट साइज़ जो भी मैं आगे लिखूँगा वो सब मैं चाहता हूँ कि 50 साइज़ का रहे, इसे क्लोज कर दूँगा, ये अप्लाइड रहेगा। अब दोस्तों, आपको यहाँ पे स्टाइल को क्लोज कर देना है, ये जो टैग है आपका क्लोज हो गया, देन आप यहाँ पे जो आपका हेड है वो भी क्लोज हो जाएगा, तो यहाँ पे आपने हेड को भी क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे स्टार्ट होगा आपका बॉडी, अब बॉडी जब आपका स्टार्ट होगा तो आप देखिएगा, इससे पहले जैसे मैं पिछली वीडियो में करता था कि लाइक अगर आपने एच किया है, पहला आपने टैग एच का दिया, हेडिंग का दिया है एंड दिस इज़ कंप्यूटर अगर आप लिखते हैं एंड आप एच इसे क्लोज कर देते हैं टैग को, ये हो गया आपका हेडिंग टैग। देन आपने अगेन दिया पैराग्राफ टैग, अब अगर मान लीजिए मैं एक बार रिपीट करता हूँ, आप देखेंगे अगर मैं दोबारा इसी को रिपीट करूँगा सेम टैग, तो इसका जो कलर हमने असाइन किया है तो कलर अपने आप बार बार रिपीट होगा, जो कि हम पहले जो लर्न किए HTML उसमें ऐसा नहीं होता था, हमें बार बार जाके अलग अलग देना पड़ता था। तो यहाँ पे अब जैसे कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स सम इनपुट डेटा फ्रॉम यूजर एंड देन प्रोसेसेस एंड देन गिव्स आउटपुट टू द यूजर इज पर रिक्वायरमेंट्स, लाइक हमने ये पैराग्राफ कंप्लीट कर दिया। अब आपको यहाँ पे बॉडी को भी क्लोज कर देना है, लाइक आपने ये बॉडी को भी क्लोज किया। अब फाइनली आप यहाँ पे HTML आपका होता है, HTML पे आपने क्लोज किया, इसका कुछ नाम दे दीजिए, लाइक हम इसका नाम दे रहे हैं लर्निंग डॉट HTML HTML। तो आप यहाँ पे जाएंगे जैसे HTML पे इसे ओपन करेंगे तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो इसका हेडिंग है वो रेड है और जो ये बकाया है ये यहाँ पे भी ब्लैक ही है, यहाँ पे अपन ने कोई शायद मिस्टेक की है,
तो आप यहाँ पे चलिए देख लेते हैं जो आपका सी कलर है, तो ये येलो यहाँ पे अपने से स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, तो अपन इसे डब्ल्यू कर देते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी HTML में, CSS में तो आपका ये पूरा कोड्स काम नहीं करेगा, इसलिए आपको स्पेलिंग का खास ध्यान रखना है। F5 करेंगे रिफ्रेश, तो ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब अगेन अगर आप यहाँ पे जाएंगे और बाद में अगर आप H कोई हेडिंग देते हैं एंड P देते हैं, लाइक मैं यहाँ पे एक शॉर्ट ही देना चाहूँगा, H मैंने फिर दिया, यहाँ पे मैंने दिया कि सिंगरौली एंड H मैंने क्लोज कर दिया। तो जब मैं इसके बाद जब कोई पैराग्राफ लिखूँगा दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा पैराग्राफ लिखा इट्स ए सिटी एंड इसे भी क्लोज कर दिया। मैं सेव करके यहाँ पे जब रिफ्रेश करूँगा इस पेज पे जाके, तो वो इसमें भी देखिए अप्लाई हो गए, जहाँ पे हेडिंग है H था वहाँ पे ये रेड आ गया और यहाँ पे ये सिटी जो है येलो आ गया। तो इसमें देखिए दोस्तों जो अपन ने अभी तक लर्न किया है पिछली वीडियोस में, तो उसमें और इसमें फ़र्क ये है, हमें बार बार इसमें कोई हेडिंग के लिए कोट्स देना पड़ रहा है या फिर कोई हमें पैराग्राफ के लिए देना पड़ रहा है। इसी तरह से बहुत सारे टैग्स होते हैं, न्यूमरस टैग्स, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं, वो सारे टैग्स को आप एक CSS के जो टैग रहता है उसे डिफाइन कर सकते हैं, और डिफाइन या फिर आप बोलें इसे आप असाइन कर देते हैं आगे जितने भी टैग्स रहते हैं सभी के लिए वर्क करता है। इन डिटेल हम आप जानेंगे दोस्तों HTML एंड CSS के बारे में, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हम इसका ब्लॉगर में एंड वेबसाइट्स में भी यूज़ बताएंगे कि आप कैसे CSS एंड HTML का यूज़ करके बहुत अच्छी एक साइट या वेब पेज आप डिज़ाइन कर पाएंगे।